हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार काफ़ी दिनों बाद मैं एक वॉइस ओवरिंग वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, इसलिए मैं वीडियो तो अपलोड कर रहा था पर उसके ऊपर वॉइस नहीं दे पा रहा था। वेल बैक टू द टॉपिक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे टिप्स को जानेंगे जो कि एग्ज़ाम के समय आपके लास्ट मोमेंट पर हेल्प करेगी। वैसे भी एनुअल एग्ज़ाम आने वाले और PT3 के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे मैंने लगभग अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको अभी भी कुछ चाहिए तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ टिप्स देखने वाले हैं, तो फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं। ये टिप्स आपको जरूर से हेल्प करने वाली है। बस आप लोग इस वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे ठोकना मत भूलिएगा, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली बात, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कभी भी लास्ट मोमेंट पर ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, क्योंकि जैसा कि देखा गया है ज़्यादातर रिसर्चेस में ये देखा गया है, अगर कोई स्टूडेंट है और लास्ट के मोमेंट में बहुत ज़्यादा प्रेशर लेता है तो वो एग्ज़ाम में जो कुछ भी आता है वो भी भूल जाता है। तो प्लीज़ लास्ट के जो फ्यू आवर्स बचते हैं उसमें आप आराम से रहिए, रिलैक्स माइंड रहिए और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर लेने से आपको जो कुछ भी याद रहता है वो दिमाग के प्रेशर पर आने पर वो सब गायब होने लगता है। तो लास्ट मोमेंट पर आप अपने दिमाग को रिलैक्स रखिए। तो दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आपको कभी भी एग्ज़ाम टाइम में न्यू पेन इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। आप जब भी एग्ज़ाम देने जाओ तो एक पुराना पेन, मतलब जिसका आधा इंक हो या फिर आधा से थोड़ा कम ही हो तो चलेगा, पर एकदम न्यू पेन आप उसे यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि उससे सबसे पहली बात जो आपने भी नोटिस की होगी कि वो जो न्यू पेन होते हैं उसमें काफ़ी रफ़ लिखाता है, ठीक है, स्मूथ नहीं लिखाता है। स्मूथ तभी लिखाएगा जब आप उसे थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लोगे तब लिखाता है। तो न्यू पेन लेके कभी भी एग्ज़ाम के टाइम तो मत जाना, ठीक है। और दूसरी बात, उससे आपका हैंडराइटिंग जो होगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है। स्मूथ जितना होगा उतना ज़्यादा अच्छा लिखाएगा, ठीक है। और न्यू पेन का जो होता है वो बॉल सब कुछ नया रहता है, जिस वजह से आपका उसमें हैंडराइटिंग तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मान लीजिए कि कल आपका SST का एग्ज़ाम है, तो SST में बहुत ज़्यादा याद करना होता है। तो ये नहीं कि कल आपका एग्ज़ाम है तो आज आप पूरा दिन पढ़ते रहो, ठीक है। तो आप उसे क्या करो, एक रेशियो में बांट लो, ठीक है। ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। जिस तरह कि आप अगर एक घंटा का समय चूज़ करते हो तो उसमें आप 45 मिनट पढ़ो, पूरे एक घंटा मत पढ़ो, 45 मिनट पढ़ो और 15 मिनट का ब्रेक लो, ठीक है। ब्रेक लेने से आपका माइंड जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है, फ्री हो जाता है। और बाद में जो है 15 मिनट आप कुछ भी करियो, उसके बाद फिर एक घंटा लो, उसमें से 45 मिनट पढ़ो और 15 मिनट का ब्रेक लो, फिर एक घंटा लो, फिर 45 मिनट पढ़ो और फिर 15 मिनट का ब्रेक लो। इससे क्या होता है, आपका माइंड तो रिलैक्स होता ही है, उसके साथ वो फ्री भी महसूस करता है, वो कोई भी तरह से प्रेशर में नहीं रहता है, ठीक है। एंड ये रियली हेल्पफुल होता है, मैंने भी ट्राई किया है, तो आप लोग भी जरूर से ट्राई कीजिए। आप अपने कम्फर्ट के हिसाब से भी टाइम को चेंज कर सकते हो। जिस तरह आप एक घंटा लिए तो 30 मिनट ही पढ़ो और 30 मिनट का ब्रेक लो। आपको जिस तरह का कम्फर्टेबल महसूस हो, जिस तरह आप एक घंटा है तो आप 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो, आप 35 मिनट पढ़ो, 25 मिनट का ब्रेक लो, आप अपने कंफर्टेबल के अनुसार अपने टाइम को ढाल लो। चौथी और आखिरी बात जो मैं अपने सभी सब्सक्राइबर व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि आप पढ़ाई बस पढ़ाई के लिए ही मत करो, आप इस तरह पढ़ाई करो कि आप समझिए कि उससे मुझे कुछ नॉलेज मिल रहा है, कुछ इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। आपको इंटरेस्ट होगा तो आपको वो पढ़ाई पढ़ाई नहीं लगेगा, उसमें मज़ा भी आएगा, ठीक है। बस पढ़ने के लिए मत पढ़ो, इंटरेस्ट के लिए सोचो कि आज मुझे कुछ नया जानने को मिलेगा, इस हिसाब से पढ़ो। पढ़ाई को ऐसे पढ़ो कि आपको वो पढ़ाई पढ़ाई ही ना लगे, समझ रहे हो। ऐसे पढ़ो ताकि आप उससे ये सीख सको कि ये कैसे मेरा फ्यूचर में हेल्पफुल होने वाला है। 24 आवर आपके पास भी है और 24 आवर्स इलॉन मस्क के पास भी है, पर 24 आवर्स का वो ऐसा यूज़ करता है जो कि आप नहीं कर पाते हो। तो वो ऐसा यूज़ करने का कोशिश करो कि वो 24 आवर्स सबसे अच्छा हो। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं उन्होंने टाइम का कभी भी मिसयूज़ नहीं किया है, क्योंकि अगर उन्होंने मिसयूज़ किया होता तो वो सक्सेसफुल ही नहीं होते। इसलिए आप भी कभी भी टाइम का मिसयूज़ मत करो। अब कल आपका एग्ज़ाम है तो आज आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो नहीं हो पाएगा आपसे, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप अगर वही चीज़ एक महीना पहले से करोगे तो इजी आपका इजीली हो जाएगा। इसलिए टाइम को जो है ना बर्बाद मत करो। लास्ट का एक दिन एग्जाम के पहले कुछ फायदा नहीं है। एग्जाम के एक दिन पहले आप मान लो पढ़ भी लिए तो उससे आप कुछ सीखोगे नहीं, वो तो बस आपका याद करने के लिए हो जाएगा और कल आप एग्जाम दे दोगे,
और उससे हमने कुछ सीखा नहीं। हम पढ़ते इसलिए नहीं है कि हमें एग्जाम देना है, हम पढ़ते इसलिए कि हमें उससे कुछ सीखने को मिले। अगर आप ये सोचते हो कि मैं टाइम का मिसयूज़ कर रहा हूँ, तो नहीं, आप टाइम का मिसयूज़ नहीं कर रहे हो, टाइम आपका मिसयूज़ कर रहा है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय के साथ हमें चलना पड़ता है, तभी समय आपके साथ चलेगा। तो अभी भी आपको लेट नहीं हुई है, अभी भी आपका 2-3 महीना है एनुअल एग्जाम स्टार्ट होने पर, यानी आपके पास टाइम ही टाइम है। तो अगर अभी से आप पढ़ोगे तो इजिली आप टॉप नहीं करोगे, आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। ये ऐसा सोच के कभी मत पढ़ना कि मैं टॉप करूंगा, ऐसा सोच के पढ़ो कि इससे मुझे कुछ जानने को मिलेगा। तो टॉप को छोड़ो, आप पूरे दुनिया में टॉप कर जाओगे। तो इसलिए टाइम का सही से इस्तेमाल करो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।